नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 21, 22 और 23 फरवरी के आपके राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी अजमेर बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। तो आए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं अजमेर ग्रहों की तिथि कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और कौन कौन से कार्य आखिर आपके लिए भाग्यशाली होंगे। यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन तीन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे व्यतीत होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो निवेदन है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके और पर शेयर कर लें ताकि दोस्तों और ऐसे ही अधिक जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं, पहले जानते हैं इन तीनों की ग्रह नक्षत्रों की तिथि तिथि और शुभ योगों के बारे में। दोस्तों, 21 फरवरी की बात करें तो इस दिन रविवार का दिन रहेगा, शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि रहेगी और रोहिणी नाम का इस दिन नक्षत्र रहेगा। योग की बात करें तो 20 कुंभ नाम का योग सुबह के 5:34 रहेगा, उसके उपरांत ही प्रीति नामक शुभ योग प्रारंभ होगा। दोस्तों, इस दिन राहु काल का समय रहेगा शाम के 4:57 से लेकर शाम के 6:22 तक। ये राहु काल के समय में आप कोई भी महत्वपूर्ण कार्यों को ना करें। और दोस्तों, चंद्रमा दिन वृषभ राशि के उपरांत मिथुन राशि में संचार करेंगे। वही दोस्तों, अगले दिन 22 फरवरी की बात करें तो सोमवार का दिन रहेगा, शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि रहेगी और मृक्षिका नाम का नक्षत्र रहेगा। दोस्तों, इस दिन आयुष्मान नाम का योग रहेगा और इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह के 8:23 से लेकर सुबह के 9:49 तक। दोस्तों, इस दिन चंद्रमा जो है मिथुन राशि पर ही संचार करेंगे। वही दोस्तों, आखिरी दिन की बात करें तो दोस्तों, इस दिन मंगलवार का दिन रहेगा, शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी और आद्रा नाम का नक्षत्र रहेगा। दोस्तों, इस दिन योग की बात करें तो दोस्तों, इस दिन आयुष्मान नाम के योग के बाद सौभाग्य नाम का योग प्रारंभ होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये सौभाग्य नाम के योग आपके प्रत्येक कार्यों में आपको बहुत ही गति देने वाले हैं, बहुत ही कार्यों में आपको सफलता भी देने वाले हैं। बशर्ते दोस्तों, आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। राहु काल का इस दिन समय रहेगा शाम के 3:31 से लेकर शाम के 4:57 तक। और दोस्तों, चंद्रमा दिन मिथुन राशि पर ही संचार करेंगे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं इन तीनों की, ये जो ग्रह नक्षत्रों की तिथि है, तिथि और शुभ योग को मिलाकर आपकी राशि पर इनका क्या प्रभाव होता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, यह समय घर में परिवारजनों के साथ हर्षोल्लास में समय बीतेगा, संतान की प्रगति के समाचार मिलेंगे। दोस्तों, यश में दूसरों का आप भला करने की कोशिश करें। दोस्तों, बंधुओं के साथ यश में जो आपका अच्छा बीतेगा तथा उनके साथ घर में बैठकर प्रश्नों की चर्चा भी होगी। दोस्तों, इन दिनों में यश में किसी धार्मिक स्थल पर जाने का जो है एक सफल आयोजन होगा। वही दोस्तों, इन दिनों यश में की अगर निगेटिव की बात करें तो दोस्तों, यश में परिवारजनों के साथ आप झगड़े न हो, इसका विशेष ध्यान रखें। परिवार के सदस्यों के बीच की जो गलतफहमी है उन्हें आप दूर रखें। धार्मिक सामाजिक कार्यों में यश में व्यवस्था बढ़ेगी तथा दोस्तों, इन दिनों में इन सभी के बीच आपका खर्चा भी बढ़ सकता है। दोस्तों, यश में दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी नोक झोंक हो सकती है, संभल कर अपनी बात अपने जीवन साथी के सामने रखें। अपने सामने यश में मधुरता अपने वाणी में रखें, यश में अपने जो है वाणी पर आप नियंत्रण रखें, इससे आपका जो है दाम्पत्य जीवन है और भी अच्छी तरह व्यतीत होगा। दोस्तों, इन दिनों में आपके लिए अपने मन की आवाज़ सुनने और उस पर सकारात्मक तरीके से काम करने का समय होगा। दोस्तों, आपको कुछ मामलों में मनचाही सफलता भी यह समय मिल सकती है, जिनसे आप काफ़ी प्रसन्न रहेंगे। दोस्तों, ये दिन आप अपने भीतर काफ़ी ऊर्जा भी महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, इन दिनों में बिजनेस के मामले में आप काफ़ी जोखिम और साहस से काम लेंगे। दोस्तों, किसी भी फैसले के पहले गंभीरता से और सावधानी से विचार करने की आवश्यकता होगी। कोई भी काम हो उस पर पहले अपने जो है सोच विचार से, फिर अपने किसी सलाहकार से आप सलाह ले लें, जो कि आपके लिए और भी अच्छा होगा। वही दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों, यश में बिजनेस में किसी बड़े इन्वेस्टमेंट की योजना बना सकते हैं। दोस्तों, इनसे जो है आपको लाभ मिलने की संभावना अधिक रहेगी। दोस्तों, ये लाभ मिलने के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। दोस्तों, इन दिनों में आप निर्धारित कार्य कर सकेंगे, आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। वही दोस्तों, यश में नौकरी तथा व्यापार में लाभ होने की संभावना भी है।
स्त्री मित्रों से कार्य मिल सकता है। दोस्तों लक्ष्मी देवी की कृपा दृष्टि जो है यश में आप पर बनी हुई है। वही दोस्तों यश में आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो समय रहते आपको जरूरत होगी कि आप प्रेमी जन के बीच विवाद को सुलझाने की कोशिश करें, अन्यथा दोस्तों ये जो विवाद है आपके बीच जो भी विवाद है वे रिश्ते को भी तोड़ सकता है। वहीं वैवाहिक जीवन यानी वैवाहिक जीवन के जो भी जातक हैं उनकी अगर बात करें तो उनके जीवन में ये जो समय है अनुकूल फल देने वाला समय होगा। दोस्तों इन दिनों में आप अपने साथी के साथ कोई अच्छा व्यवहार भी कर सकते हैं। दोस्तों आप उन लोगों से किसी प्रकार की भावनाएं भी शेयर कर पाएंगे जिनसे आप गहरा यश में रिश्ता रखते हैं। वहीं दोस्तों यश में आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में मौसमी बीमारियां या फिर वायरल इन्फेक्शन की आशंका है। दोस्तों यश में आप मौसमी बीमारियों को लेकर सावधान रहें। दोस्तों यश में विपरीत परिस्थितियों को बुद्धिमत्ता से झेलने का विश्वास अपने अंदर पैदा करेंगे तो आप स्वस्थ बने रहेंगे। दोस्तों यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा गुलाबी और भाग्यशाली अंक रहेगा 6। दोस्तों यश में काम की जगह सहकर्मियों और ऊपरी अधिकारियों के साथ आपके जो संबंध हैं वो सौहार्दपूर्ण रहेंगे। दोस्तों ऐसा गणेश जी कहते हैं, वे आपके कार्य की सराहना भी करेंगे। दोस्तों यश में की जो दोपहर के बाद परिस्थिति होगी वो आपके लिए अच्छा रहेगा, परंतु दोस्तों उसके बाद आपके लिए कुछ समस्याएं निर्मित हो सकती है यानी समस्याओं का भी आयोजन हो सकता है। दोस्तों कुछ अवरोध ऐसे आते हैं कि आप उनके ध्येय तक न पहुंच पाते हैं, फिर भी आपको अपनी क्षमताएं एवं ईश्वर पर श्रद्धा रखनी चाहिए। आप अपने यश में अपने ईश्वर को पुकारें, अपने इष्ट देव को याद करें, इससे यश में आपका कट सकता है। वही दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी वित्तीय स्थिति को लेकर बात करें यानी दोस्तों धन को लेकर, तो दोस्तों यश में एक लुभावने सौदे तय करने की दिशा में अधिक इच्छा आपका होगा। पहले पखवाड़े में आप काम करने के लिए समर्पित रहेंगे, लेकिन दोस्तों यश में जैसे जैसे समय बीतता जाएगा साथ ही अपने मन में आप बैंकिंग ज़रूरतें, मौद्रिक मामले या फिर वित्तीय लाभ जैसे विचार अपने मन में आप ला सकते हैं या फिर आपको मन को ये जो योजनाएँ आपको घेर सकती है। वही दोस्तों इन दिनों में आपकी पारिवारिक जीवन की बात करें तो अपनी सकारात्मक आभा को फैलाएं और प्रियजनों को प्रभावित करें। दोस्तों यश में आप ऐसे सभी नकारात्मक विचारों को दूर भगा दें जो आपके रिश्तों में बाधा बनते हैं। दोस्तों यश में अपने साथी के साथ तोहफा का आदान प्रदान भी आप कर सकते हैं। दोस्तों एक परिपक्व और सामंजस्यपूर्ण संबंधों को जन्म दें ये हो सकता है। दोस्तों यश में आपकी आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो दोस्तों यश में विदेश से आपको लाभ मिलने के संकेत हैं। यदि आपने विदेशों में निवेश किया है अथवा विदेश से किसी अच्छे समाचार की प्रतीक्षा थी तो दोस्तों यश में आपकी इच्छा पूरी हो सकती है, आपको खुशखबरी मिलेगी। सितारे आपके पक्ष में हैं, सकारात्मक विचार बनाए रखें। वही दोस्तों यश में असुरक्षा दुविधा के चलते आप असमंजस में फंस सकते हैं। बिन बुलाए कोई मेहमान यश में आपके घर में आ सकता है, लेकिन इस मेहमान की किस्मत की वजह से आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। दोस्तों इस वजह से ऐसी जानकारी आपको जाहिर न करना चाहिए जो व्यक्तिगत और गोपनीय हो। दोस्तों यह समय के ढलते ढलते कोई आकस्मिक जो है रूमानी सुझाव आपके दिमाग पर छा सकता है। दोस्तों ऐसे में यह समय की शुरुआत जो है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, कार्य संतोषजनक रूप से पूरा हो सकता है। दोस्तों यह समय जो है शराब का सेवन आप बिल्कुल ना करें, इससे दोस्तों मंगल बिगड़ता है, इसलिए दोस्तों पारिवारिक सुख हेतु इसका आप त्याग करें, इससे आपका पारिवारिक जीवन जो है और भी उत्तम होगा। दोस्तों यश में आपको कौन से महत्वपूर्ण उपायों को करना चाहिए? दोस्तों आपको बता दें, अगर आप नौकरी की तलाश में हैं या फिर आपकी नौकरी में अड़चने आती है या फिर आपकी नौकरी आपके हाथों से छूट गई है तो दोस्तों यश में आपको यश में कौन से उपायों को करना चाहिए? दोस्तों आपको बता दें कि यश में आप इन उपायों को मंगलवार से प्रारंभ करें और इन्हें लगातार 40 दिन तक करें। जहाँ दोस्तों हर रोज आप सुबह के समय नंगे पैर हनुमान जी के मंदिर में जाएं और उन्हें लाल गुलाब के फूल चढ़ाएं। ऐसा करने से शीघ्र ही आपका रोजगार आपके पास वापस होगा, या फिर आपके पास रोजगार नहीं है तो दोस्तों आपको रोजगार की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यश में आप इन उपायों को शुरू कर सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। इनसे दोस्तों अपने जीवन में आप सभी समस्याओं को दूर करके नौकरी पा सकते हैं। और साथ ही दोस्तों और ऐसे ही अधिक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।